हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ MPPSC ऑनलाइन तैयारी। एंड टुडे दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ MPGK एंड दिस इज़ पार्ट टू इन विच वी डिस्कस फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ MP। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम टू गेट PDF या माइंड मैप्स। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर। So the first we talk about the content in the of the formation of and reorganization of the MP. We should discuss pre 1947 first point, second is the status before 1956, third is the states reorganization commission, that is 1953, fourth one is the reorganization of MP according to the SRC is what, state reorganization commission, and the last one is prelims based question regarding the same topic. Okay, let's be start. This is pre 1947. Prior to independence, Indian subcontinent kya tha, princely states along with presidencies plus provinces of British India. Yahan pe main kya batana cha rahi hu aapko ki independence के दौरान इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था हमारा वो क्या था, प्रिंसली स्टेट विथ प्रेसिडेंसीज प्लस ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस थे उनको मिला के क्या बनाता हमारा, ये हमारा बनाता इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके फाइन, आपको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हो रहा था हमारा 1947 में, उसके पहले की जो सिनेरियो था वो क्या था, जो प्रिंसली स्टेट्स कॉल्ड एज नेटिव स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी उनको हम क्या बोलते थे, नेटिव स्टेट्स बोलते थे। और ये टोटल 565 इन नंबर्स एंड दे डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। BI इज वॉट, ब्रिटिश इंडिया। ये BI क्या है यहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया। ओके क्लियर, मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि 1947 जब पार्टीशन हो रहा था और उसके जो पहले की सिनेरियो था वो क्या था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी उनको हम नेटिव स्टेट्स बोलते थे और ये टोटल 565 थी नंबर में और ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इन बोथ द लैंग्वेजेस। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा दोनों लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट इज स्टेट, दे कंस्टिट्यूटेड दोज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर नॉट कॉन्क्यूड बाय द ब्रिटिश एंड हैंस द ब्रिटिश डिन नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दैम। ये वो पार्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ब्रिटिश नहीं कॉन्क्योर कर पाए थे, इसका मतलब यहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 1949 मतलब आफ्टर द 2 ईयर्स ऑफ द हमारा इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद ऑल द स्टेट्स, सारी स्टेट्स एक्सेप्ट सिक्किम, कौन सी स्टेट को छोड़कर, सिक्किम को छोड़कर, चूजन टू एक्सेड टू आइदर इंडिया रहे या पाकिस्तान रहे वो उसके ऊपर था या फिर वो हैड बीन कैप्चर्ड और अनेक्स्ड। ठीक है, आपको ये भी क्लियर होगा उसके ऊपर था वो इंडिया का पार्ट बने या पाकिस्तान का पार्ट बने या फिर वो कैप्चर्ड और अनेक्स्ड रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो प्रोविंसेस थे इंडिया के और प्रेसिडेंसीज जो थी ब्रिटिश इंडिया की, इंडिया का कौन सा पार्ट, प्रोविंसेस, और प्रेसिडेंसीज कहाँ की, ब्रिटिश इंडिया की। वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, किसके डिवीजन्स में थे एडमिनिस्ट्रेटिव, किसका कंट्रोल हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नेंस का। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेटस बिफोर 1956, एरिया ऑफ MP कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 पार्ट्स एज फॉलोज। जो हमारा एरिया है MP का वो 3 पार्ट से बना हुआ है अभी, पार्ट ए, पार्ट बी, आपको ये माइंड मैप दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है। ओके, तो ये स्टेटस अगर हम देखें बिफोर 1956 के पहले का देखते हैं तो 3 पार्ट थे यहाँ पे, एक था पार्ट ए, एक है पार्ट बी, एक है पार्ट सी। तो अब पार्ट ए के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से थे, सेंट्रल प्रोविंसेस
थे एंड बिरार, जो कि प्रेजेंट में क्या है, छत्तीसगढ़, महाकौशल और विदर्भा का रीजन जो महाराष्ट्र में है वो कौन कौन से हैं प्रेजेंट में, छत्तीसगढ़ प्लस महाकौशल प्लस विदर्भा पार्ट जो कि किसका है, महाराष्ट्र का। तो क्या था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार, ठीक है। ओके नेक्स्ट इन वी डिस्कस पार्ट बी। पार्ट बी था उसका नेक्स्ट पार्ट, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो था मध्य भारत, जो क्या है, ग्वालियर का रीजन है। किसका रीजन है, ग्वालियर वाला रीजन पार्ट बी में आता था। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में था हमारा विंध्य प्रदेश, जो प्रेजेंट में क्या है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड वाला पार्ट। ओके और पार्ट सी के अंदर ही भोपाल स्टेट आती थी, ठीक है। स्टेटस बिफोर आप 1956 देख चुके हैं, तीन पार्ट में था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, जो बरार क्या है प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, महाकौशल और विदर्भा ऑफ महाराष्ट्र वाला। पार्ट बी में है हमारा मध्य भारत, दैट इज ग्वालियर रीजन। पार्ट सी में आते हैं दो, विंध्य प्रदेश जो कि प्रेजेंट में है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड और भोपाल स्टेट। फाइन, ओके लेट्स गो अहेड। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज। अभी तक हमने एमपी का पार्ट देखा, किसके पहले का, ये है अपना 1956 वाले के पहले का, जो हमारी एमपी का पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारी इंडिया थी वो फोर कैटेगरीज में डिवाइड थी, ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में बात करें तो स्टेट्स ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बीआई क्या यहाँ पर रिफ़र कर रहा है, ब्रिटिश इंडिया को। ये कौन से पार्ट ए में है, जो कि स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, टोटल कितनी थी, ये 9 थी। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 9 हम देखते हैं, आसाम, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी, उड़ीसा, बॉम्बे, एमपी एंड मद्रास। एमपी हमारे कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, पार्ट ए वाले पार्ट में आ रहा है। कौन कौन से, आसाम, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी, उड़ीसा, बॉम्बे, एमपी एंड मद्रास। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी में थी हमारी फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, दैट इज टोटल कितनी थी, ये 8। इसमें हमारा हैदराबाद, मध्य भारत, जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचिन एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पारसी में आते हैं, 10 स्टेट्स इंक्लूडेड बोथ द फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स, दैट इज अजमेर 10 है यहाँ पर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश, ठीक है। अब पार्ट डी तो बहुत इजी है, सिंगल यूटी थी, एक ही यूटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड हो रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो हमारी इंडिया कौन से पार्ट में डिवाइड हुई है, 4 पार्ट में, इसमें एक यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है। पार्ट ए जिसमें कौन से पार्ट थे, स्टेट्स ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ प्रिंस प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, टोटल कितनी है, 9। कौन कौन सी आप बोलिए सब लोग मेरे साथ, आसाम, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी, उड़ीसा, बॉम्बे, एमपी एंड मद्रास। नेक्स्ट इज पार्ट बी, दैट इज फॉर्मली प्रिंसली स्टेट, टोटल कितनी है, 8। हैदराबाद, मध्य भारत, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोची इन वाला पार्ट, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये कितने टोटल, 8 हो गए। देन पार्ट सी, यहाँ पर 10 स्टेट्स वो थी जिसमें फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश। लास्ट वन इज पार्ट डी, सिंगल यूटी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि डायरेक्ट कौन कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेट लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा था। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और ये माइंड मैप मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इजीली इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप इसको ले सकते हैं इमेज के दौरान, और इससे आपको याद करने में इजी पड़ेगा और ये पूरा फ्लो चार्ट आपके माइंड में अगर एक बार कैप्चर हो गया तो आप इसको लाइफ टाइम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1953 में हुआ था, इन दिसंबर 1953
SRC क्या है यहाँ पे? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली। किसकी चेयरमैनशिप में? फैजल अली के चेयरमैनशिप में। टू प्रिपेयर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। लिंग्विस्टिक इज वॉट? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, तो आपको ये क्या यहाँ पे बताया मैंने, दिसंबर 1953 में SRC जो कमीशन है वो सेटअप होने जा रही थी। चेयरमैनशिप किसके थी? फैजल अली की चेयरमैनशिप थी। और यहाँ पे न्यू स्टेट्स जो बनाई जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लिंग्विस्टिक लाइन के बेसिस पे। यहाँ अदर टू मेंबर्स ऑफ द कमीशन वॉज HN कुंजरू एंड डॉक्टर KM पनीकर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मेंबर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं हमेशा, सबको फैजल अली तो याद रहते हैं बट ये दो मेंबर्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट दो मेंबर कौन से थे उनके साथ, किसके साथ में? फैजल अली के साथ में कौन से दो मेंबर्स थे? HN कुंजरू एंड डॉक्टर KM पनीकर। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन ऑफ द फोर डिवीजन ऑफ स्टेट्स वर डिसॉल्व्ड एंड आउट ऑफ देम 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 UTs वर फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, कमीशन जो थी फोर डिवीजन्स जो स्टेट्स में थे वो डिसॉल्व हो गया, उनमें से 14 न्यू स्टेट्स और 6 UTs फॉर्म हुई। दस MP कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ? 1st of November 1956, जिस दिन पे हम MP का फॉर्मेशन डे मनाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? SRC दैट इज री स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1956 के रिकमेंडेशन से 1st of November 1956 को हमारा MP फॉर्म हुआ। द नेम MP वॉज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू हैविंग टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट। जब ये MP का नामकरण हुआ तो उस टाइम पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे उस टाइम पे? 43 थी। ठीक है, फाइन। इन 1972 भोपाल एंड राजनंदगांव क्रिएटेड एज टू न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब ये 1956 में कितनी थी हमारी? 43 थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1972 में भोपाल एंड राजनंदगांव बना दिया गया दो न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो 43 में ये दो ऐड होंगे। 43 में दो ऐड हुए तो कितने हो गए? 45। आपको क्लियरली बताती हूँ, वन मिनट। देखिए, जब 1956 में फॉर्मेशन की बात हुई तब हमारे पास 43 थी, बट 1972 में टू न्यू आ गई, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो गई हमारे पास? 45 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑन 1st of November 2000 छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड एज 26th स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ द इंडिया। कब? 2000 को 26th स्टेट बनाई गई हमारी इंडिया की, वो कौन सी बनाई गई? छत्तीसगढ़ बनाई गई विथ 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP। कैसे बनी? 16 जो डिस्ट्रिक्ट थी MP की उनको लेके छत्तीसगढ़ फॉर्म कर दिया गया। और डिवीजन्स कितने लिए गए MP से? 3 डिवीजन्स लिए गए, जो के कौन से पार्ट से लिए गए? MP के सदर्न ईस्टर्न पार्ट से लिए गए। मानिए अगर ये हमारा MP है, ऐसा कुछ MP है, तो ये जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको काव आउट करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ MP अकॉर्डिंग टू SRC। अब MP का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द SRC। SRC के द्वारा की उसके अकॉर्डिंग टू SRC के रीऑर्गेनाइजेशन किया गया MP के, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। फॉलोइंग चेंजेस वर अडॉप्टेड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बुलदाना बुलदाना अकोला अमरावती यवतमाल वर्धा नागपुर भंडारा एंड चंदा ये मर्ज्ड इनटू मुंबई स्टेट, रिमेनिंग पार्ट इज इन द MP। ठीक है, जो ये कुछ अपनी डिस्ट्रिक्ट थी बुलदाना अकोला अमरावती यवतमाल वर्धा नागपुर भंडारा एंड चंडा, ये किस में चली गई? मुंबई स्टेट में जाके मर्ज्ड हो गई और बाकी पार्ट MP में ही रहा। एक्सेप्ट सुनील थापा और थापा ऑफ भानपुरा तहसील ऑफ मंदसौर डिस्ट्रिक्ट वर मर्ज्ड विथ MP।
सिर्फ सुनील थापा जो भानपुरा तहसील मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के, उसको छोड़कर बाकी किसके साथ मर्ज हो गई थी, एमपी में मर्ज हो गई थी, बाकी पोर्शन सिर्फ ये वाला रह गया था। सिरोंज तहसील ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो सिरोंज तहसील थी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की, कोटा डिस्ट्रिक्ट की ऑफ राजस्थान, जिसको अब कहाँ पे इंक्लूड कर दिया था उसको, विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। अब कहाँ सिरोंज हो गया था, विदिशा में पहुंच गया, जो एमपी का पार्ट था। द रेस्ट ऑफ पार्ट बी वाला जो पार्ट था वो एमपी में ही रहा। पार्ट सी विंध्य प्रदेश, वो कम्प्लीटली मर्ज्ड हो गया विद द प्रेजेंट एमपी। भोपाल स्टेट ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ प्रेजेंट एमपी, जो भोपाल स्टेट थी वो अभी एमपी का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज मध्य भारत विंध्य प्रदेश एंड भोपाल, द मध्य भारत विंध्य प्रदेश एंड भोपाल मर्ज्ड इनटू एमपी। ठीक है, मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल जो था वो एमपी में मर्ज्ड हो गया। एंड द मराठा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर डिवीज़न, जो मराठा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थी नागपुर डिवीज़न की, वो किसको दे दी गई, बॉम्बे को दे दी गई। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट साइड, दैट इज प्रिलिम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, भोपाल वॉज मेड द कैपिटल विच वॉज ओरिजिनली द तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, द आंसर इज सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो भोपाल जिसको कैपिटल बनाया गया था वो ओरिजिनली किसका, के कौन से तहसील का पार्ट था, सीहोर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। ऑन 26 जैन 1972 टू न्यू डिस्ट्रिक्ट्स नेम भोपाल एंड राजनंदगांव वर क्रिएटेड, गिव फोर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्रीज्ड टू कितनी। आप हमारी पहले 43 थी जब मैंने आपको बताया था 1972 को टू न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुई जिनका नाम था भोपाल एंड राजनंदगांव। टोटल कितनी हो गई है, 43 + 2 45 हो गई। इन द ईयर 1998 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर एडिट, 98 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए, 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए। ऑन विच डेट न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलीराजपुर कार्व्ड आउट फ्रॉम झाबुआ, अलीराजपुर को झाबुआ से कट कर न्यू डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया, 17 मई 2008 को बनाया गया। सिंगरौली वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन विच डेट, सिंगरौली वॉज कार्व्ड आउट विथ सीधी सीधी से कट के बनाया गया, और कब बनाया गया, 24 मई 2008 कब बनाया गया, 24 मई 2008। होशंगाबाद डिवीजन वॉज रीनेम्ड टू विच न्यू डिवीजन एंड ऑन विच डेट, होशंगाबाद डिवीजन जो था वो अब नर्मदापुरम डिवीजन बोलने लगे हैं उसको, और वो कब हुआ, 15 फेब 2006 को उसका नाम रीनेम्ड हो गया, नर्मदापुरम डिवीजन हो गया। भाभरा इन अलीराजपुर हैज़ बीन रीनेम्ड एज, भाभरा जो अलीराजपुर का पार्ट है उसको रीनेम्ड करके क्या बोल बनाया गया, क्या नाम दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद नगर बोला गया ऑन फेब 2010। नाउ द मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन वॉज 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ये बहुत बार पूछा जा रहा है और ये सबको भी याद ही हो चुका होगा, दैट इज़ निवारी, और ये कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 2018 को फॉर्म किया गया था। इन द ईयर 1980 विच टू न्यू डिवीजन्स वर फॉर्म्ड, टेकिंग द नंबर ऑफ डिवीजन्स टू 11 हो गए, चंबल एंड बस्तर। ओके, आपको क्लियर हो गए होंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम @MBPSCOnline तैयारी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे होम स्टे सेफ, ओके, बाय बाय।